साथियों नमस्कार। हम सब जानते हैं कि हमारे भोजन में तीन जो एलिमेंट्स हैं, तीन जो चीजें हैं भोजन में, यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये तो मेजर कंपोनेंट है। और उसके बाद माइनर कंपोनेंट्स के अंदर कई प्रकार के मिनरल्स, कई प्रकार के बहुत आप समझें कि विटामिन्स, एमिनो एसिड्स, ये सब लोग सब चीजें इसके अंदर आती हैं। तो जब हम बात करते हैं कि भोजन हमारा संतुलित हो, उसके अंदर ये भी देखना है हमारे को कि एक ठीक मात्रा में प्रोटीन, ठीक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, ठीक मात्रा में फैट अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसके हिसाब से जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जिनको माइनर एलिमेंट्स बोला जाता है, चाहे वो विटामिन्स हों या मिनरल्स हों, इन सब की भी हमारे शरीर को बहुत आवश्यकता होती है। और भगवान ने जो ये सब चीजें बनाई हैं तो ये एक सिस्टम से बनाई है कि आपको अगर जिंक चाहिए तो किस काम के लिए चाहिए, अगर आपको मैंगनीज चाहिए तो किस काम के लिए चाहिए, अगर आपको एक लिमिट तक अन्य विभिन्न पदार्थ चाहिए, विटामिन जो है ए बी सी डी ई, हमने जब सब देखे तो इन सब का भी इस्तेमाल होना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे एक मैग्नीशियम के बारे में। मैग्नीशियम बहुत ही ट्रेस एलिमेंट है, बहुत ही एक माइनर क्वांटिटीज में हमारे शरीर के अंदर चाहिए होता है, लेकिन बहुत आवश्यक होता है। बहुत आवश्यक इसलिए कि इसको आप ये समझें कि आपकी बॉडी के अंदर मसल्स, नर्व्स, बोन्स और आपकी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में आपके मैग्नीशियम का बहुत ज़बरदस्त रोल है। और मैग्नीशियम की हमारी जो भोजन के अंदर अगर हम बात करें तो ये आपके हर प्रकार के सीड के अंदर, पंपकिन के सीड्स हैं, शिया सीड्स जो लेते हैं लोग, या बादाम है, अखरोट हैं, पालक है, कैश्यूज हैं, पीनट्स हैं, सोया मिल्क है, ओट्स हैं, तो ये जो होल व्हीट ब्रेड के अंदर या एवोकाडो के अंदर, ब्राउन राइस के अंदर और दूध के अंदर जो मैग्नीशियम अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है। और एक नॉर्मल आदमी को इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए किसी प्रकार की मैग्नीशियम डेफिशिएंसी होने की संभावना नहीं हो सकती। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जैसे डायबिटिक लोग हैं या जो जिनको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं, जो कि हजम नहीं होता, IBS है, यानी कि उनका पेट जो है खाना खाते ही साफ हो जाता है, लॉन्ग टर्म वॉमिटिंग्स हैं जिन लोगों को, जिनकी जो डाइट है वो बहुत ही कम हो जाती है, या किडनी प्रॉब्लम्स हैं जिनको कई चीज़ें रोक दी जाती हैं, और कई डाइट्स ऐसी हैं जिनके अंदर जो है इनके खाते रहने से मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो सकती है। नॉर्म मैंने आपको बताया कि नॉर्मल इंडिविजुअल में नहीं होगी, लेकिन जिनका भूख ही खत्म हो गई या जिनको उल्टी होती रहती है, वॉमिटिंग्स होती रहती है, उसके साथ में जो लोग जो हैं जो अपनी डाइट के अंदर नेचुरल चीज़ों के बदले में आर्टिफिशियल चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उनके अंदर ये कमियां पाई जा सकती हैं। तो जब ये कमियां पाई जाती हैं तो इसमें एक व्यक्ति की भूख कम हो सकती है और इसकी वजह से और ज़्यादा उल्टियाँ और दस्त हो सकते हैं, फटीग हो जाएगी, कमजोरी, एकदम बहुत माइनर एलिमेंट है लेकिन उसकी वजह से कई प्रकार के फैटीग के सिम्टम्स, मसल स्पास्म या जिनको हम ट्रेमर्स बोलते हैं या क्रैम्प्स बोलते हैं, जो होते हैं ना, लोग कहते हैं ना कि मेरे को रात को सोते सोते पेट जो शरीर की नसें जो है अकड़ जाती हैं, या चलते चलते जो मांसपेशियां वो रुक जाती हैं, या उन लोगों के अंदर ये मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो सकती है। और ज़्यादा देर तक रहे तो आपके हार्ट के ऊपर भी असर हो सकता है, आपके नर्वस सिस्टम के ऊपर भी इन सब चीज़ों का असर हो सकता है। जब हार्ट की हम बात करते हैं तो हार्ट की जो रिद्म है, हार्ट की जो एक नॉर्मल चाल है, उसके अंदर भी ये बहुत ज़्यादा तेज कर सकता है या बहुत स्लो भी कर सकता है उन चीज़ों को। तो ये जो है इसके साथ साथ कुछ दवाइयाँ भी ऐसी हैं जो कि लॉन्ग टर्म हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कुछ डायरेटिक्स हैं, यानी कि पेशाब ज़्यादा आने की जो दवाइयाँ हैं, या किडनी की बीमारी के लोग हैं, या कई लोगों को जो रेगुलर एंटासिड्स के रूप में रिफ्लक्स के लिए
जो लिक्विड्स लेते हैं हम लोग, जो गैस का कहकर की गैस कम होती है उससे, उनकी वजह से भी आपको मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो सकती है। अल्कोहल लेने वाले लोगों में, क्योंकि अल्कोहल अपने आप के अंदर लीवर में जाके नुकसान पहुंचाता है, उसके साथ साथ आपका डाइटरी सिस्टम खराब हो जाता है, इन लोगों के अंदर भी मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो साथियों, इन सब चीजों की वजह से जब ये डेफिशिएंसी हुई तो उसको टेस्ट कैसे करेंगे? तो आप जब भी आपके डॉक्टर को लगेगा कि आपको ये डेफिशिएंसी है, तो उनके अंदर एक यूरिन टेस्ट से या एक ब्लड टेस्ट से भी पता लगाया जा सकता है कि आपको मैग्नीशियम डेफिशिएंसी कितनी ज्यादा है। क्योंकि जब आप मान लो हॉस्पिटल जाते हो, तो आपको किसी को किडनी की बीमारी है और उसको लगता है कि कैल्शियम या पोटेशियम के लेवल्स का नुक्स आ रहा है, तो उन लोगों के अंदर भी मैग्नीशियम टेस्ट होना चाहिए। तो ये साथियों बड़ा आसान टेस्ट है, बहुत आसानी से किया जा सकता है, और एक बार डायग्नोज हो जाए तो उसके बाद इसको करेक्शन बहुत ही आसान है और बहुत ही आराम से एक तरीके से हो जा सकती है। तो ये जब जो आप हम बात कर रहे हैं कि इसकी डेफिशिएंसी से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, हम उसकी भी थोड़ा देखें कि इसकी डेफिशिएंसी से कुछ लोगों को हेडेक्स भी हो सकती हैं, माइग्रेन भी हो सकते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, मैंने पहले बात करी, बोन्स के लिए मैग्नीशियम बहुत जरूरी है, आपकी हड्डियां जो हैं वो कमजोर होनी शुरू हो जाएंगी, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगी, इवन डायबिटीज के लोगों की जो है, ऐसे मैग्नीशियम कम होने वाले लोगों के अंदर डायबिटीज की भी जो वो बढ़ सकती है। हार्ट के बारे में हमने बात करी, उसके बाद इसका एक रोल है मसल फंक्शन के अंदर और मसल के रिलैक्सेशन के अंदर, दिमाग के फंक्शन के ऊपर भी और इंसुलिन सीक्रेशन के ऊपर भी, महिलाओं के अंदर प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम और जो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे उनके क्रैम्प्स होते हैं या बाकी उनको कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, वो भी हम मैग्नीशियम के माध्यम से उसको देख सकते हैं कि उसकी कमी से हो गया। अब मैग्नीशियम लेना कैसे? मैग्नीशियम के लिए तो सबसे बढ़िया तरीका अभी भी नेचुरल फूड्स हैं, नेचुरल सीड्स हैं, नेचुरल चीजें जितनी भी हैं वो आपको मैग्नीशियम अच्छी मात्रा में दे रही हैं। लेकिन अगर फिर भी आपको डेफिशिएंसी है तो मैग्नीशियम की काफी मार्केट के अंदर प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो कि आप उनको लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैग्नीशियम कैल्शियम के साथ मिलकर भी आता है, विटामिन डी के साथ मिले हुए प्रोडक्ट्स भी हैं, क्योंकि कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन डी ये एक ट्रायो बनाता है जो आपकी हड्डियों के लिए, आपके मसल्स के लिए, आपके दिमाग के लिए, आपके हार्ट के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। लेकिन यहाँ पर भी एक वर्ड ऑफ कॉशन है, अगर इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाए मैग्नीशियम प्रोडक्ट्स का, तो इसके भी वही सिम्टम्स हो सकते हैं, उल्टियाँ होनी, दस्त होना, पेट के अंदर क्रैम्प्स होना, हार्ट बीट इरेगुलर होना या कार्डियक अरेस्ट तक हो सकता है। तो ये हेल्थ प्रॉब्लम जो है मैग्नीशियम ज्यादा होने की वजह से भी हो सकते हैं। तो अल्टीमेटली कैरी ऑन मैसेज क्या है, या आज की इस वीडियो का मैसेज ये है कि मैग्नीशियम बहुत आवश्यक है हमारे लिए, मैग्नीशियम हमारे नेचुरल फूड्स के अंदर नॉर्मल आदमी के लिए अच्छी मात्रा में उपलब्ध है, बीमारी की स्थिति में जैसे मैंने बताया उन लोगों को मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो सकती है, अपने डॉक्टर के पास जाएं, जो जो सिम्टम्स हमने बताए अगर वो हैं तो अपना डॉक्टर चेक करेगा, चेक करने के बाद क्योंकि ये माइनर ट्रेस एलिमेंट है आपके शरीर के लिए तो वो आपको कोई ना कोई दवाई दी जा सकती है। लेकिन गो बैक टू नेचर, मैं फिर भी ये कहूंगा कि आप नेचर की तरफ जाएं, आप अपने आप को तभी स्वस्थ रख सकते हैं, इन सब बीमारियों से दूर रह सकते हैं, अगर हम भगवान के द्वारा बनाई हुई जितनी नेचुरल आइटम्स हैं उनको लें, ऑर्गेनिक आइटम्स लें और फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स और अच्छी मात्रा में दूध का इस्तेमाल करें। तो साथियों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, क्योंकि ये ज्ञान जो है आपको आगे बांटना चाहिए, केवल आप तक लिमिटेड ना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।